जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं एवं 12वीं फाइनली वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट डेट आ चुका है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं एवं 12वीं छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आपका रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली अभी अभी आपको रिजल्ट डेट जारी हो चुका है। और अब किस तारीख को रिजल्ट आएगा ये भी बताऊंगा, और कहाँ से चेक करना है ये भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपको टॉपर लिस्ट है वो तो हमारे पास आ चुकी है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको एक नज़र। इसके बाद आपको रिजल्ट कैसे निकालना है ये भी बताऊंगा, और कब आएगा रिजल्ट ये भी बताऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। सबसे बड़ी बात बता दूं, कक्षा 10वीं का ये आपको टॉपर लिस्ट है, जो कि अभी तो दिखाने का अलाव नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रथम स्थान आपको 500 में से 494 और 493, दूसरा स्थान इस तरीके से प्रथम, दूसरा तीसरा, इस तरीके से आप टॉपर लिस्ट है। ये तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। अब बता देता हूँ कब रिजल्ट कब आने वाला है आपका, तो रिजल्ट भी आपको बताने वाला हूँ और कैसे चेक करना है ये भी बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक बन रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर, इसके बाद दिखाता हूँ आपको कब आएगा रिजल्ट, इसको पहले दिखा देता हूँ। विद्यार्थियों, आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पे आपको MPBSC सर्च करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही सर्च कर रखा है बहुत सारा, तो यहाँ पर देख सकते हो। फाइनली आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल पर जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो MPBSC.NIC.IN है, मैंने यहाँ पे पहले सर्च कर रखा है, तो मैंने आपको पहले नंबर पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैंने कर देता हूँ आपके लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। आपको भी इस तरीके से सर्च कर देना है, इस तरीके से आपको पहले नंबर वेबसाइट आ जाएगी। तो पहले नंबर पे आपको क्लिक करना है होगा। इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे त्रिकोने पे जाना होगा। त्रिकोने पे जाने के बाद आप अपने फोन के त्रिकोने पे जाने के बाद थोड़ा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने का, इस पर टिक रहेगा तो आपको डेस्कटॉप साइड कंप्यूटर की तरह ओपन होगा हमारा पहले से, तो आप टिक कर लेना। इसके बाद आपको मैं पहले नंबर वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। MP बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से पेज ओपन होकर आ रहा है, इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको देख लेना है पहले परीक्षा परिणाम दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात बता दूं, आप डीलर एग्जाम जो कि आपको MP बोर्ड का हुआ है जारी रिजल्ट, तब से अभी MP बोर्ड का मैंने एग्जाम नहीं हुआ है जारी, जो कि आपको कब आएगा ये भी बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जैसे कि रिजल्ट आपका जारी होता है, उससे आपको 1 घंटे तक अच्छे से रिजल्ट निकलता है। यदि 1 घंटे के अंदर आप निकालिए तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो आपको जल्दी से जल्दी निकालना होगा अपना रिजल्ट जैसे कि जारी होता है। तो आपको चलिए दिखाता हूँ कब आएगा रिजल्ट। फाइनली विद्यार्थी, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे देख सकते हो, MP बोर्ड एग्जाम 2024 मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं में बात कर रहा हूँ। कैसे निकालना है कब आएगा ये भी बताने वाला हूँ। तो आपको नीचे थोड़ा देख लेना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSC की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट 5 से 10 अप्रैल के बीच जारी किया जाएगा की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि 5 से 10, तो आपको 10 यहाँ पर टॉपर लिस्ट तो आ गई है, लेकिन वो अभी अपॉइंट करना नहीं है, क्योंकि आपको मेरे पास है, मैंने यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा दिखा भी दिया हूँ। 5 से 10 तो आप 8 तारीख होने वाला है, यहाँ पर 1 से 7 तो निकल गए। तो फाइनली विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हो 10वीं एवं 12वीं का 5 से 10 अप्रैल के बीच जारी किए जाने की संभावना है। परिणाम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर MPBSC मैंने आपको रिजल्ट जारी चेक करने के लिए बता ही दिया हूँ। सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको कल आपको रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। बाकी आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड सबसे पहले नंबर जारी किया है, इसके बाद MP बोर्ड सोच रहा था 15 करने के लिए, लेकिन उससे पहले करेगा क्योंकि आपका चुनाव भी आने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।